नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ के साथ साथ पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, जिसकी क्लासें आ रही हैं। लगभग 5-6 क्लास आ चुकी हैं, तो जो आपने अब तक नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही जो हमारी क्लास आती है 2020 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट की, तो उसको उसकी पीडीएफ लेने के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में बिल्कुल ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और साथ में 2020 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ज़रूर भाग लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इससे पहले हमने हिंदी भाषा को पढ़ा है और इसमें जो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, इसमें जो भूमिकाएं दी गई हैं उनको देखा है। और आज हम प्रथम खंड देखने जा रहे हैं आदिकाल से संबंधित। दूसरा, आपको बता दें, अगर आपके पास नेट जेआरएफ का सिलेबस है तो आप सेकेंड यूनिट रखिए और साथ साथ देखते जाइए कि देखिए कि सेम टू सेम कुछ चीज़ें आपको जो हैं बिल्कुल ऐसा लगेगा कि डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ही रख दिया गया है इसमें डायरेक्ट। ओके, तो आपको ये चेक कर लेना है। और सेकेंड यूनिट तैयार करने के लिए आपके पास अगर डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं है तो हम आपके लिए ये प्रयास जारी रखेंगे और कोशिश रहेगी कि इस बुक को हम कंप्लीट कराएं अपने चैनल के माध्यम से, और साथ ही आपको इसके क्वेश्चंस और नोट्स भी प्रोवाइड कराएं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल को न्यू हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल, और आदिकाल में हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय 1 जो है हमारा इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप, जो हम इसमें देखेंगे। इतिहास, अर्थ एवं स्वरूप, क्या है इतिहास, इसको हम जानेंगे इस क्लास में। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। इतिहास कहते हैं जो बीत चुका है, इतिहास लिखा गया है, इतिहास में जो कुछ हो चुका है तो हम जो पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ था। इससे दो सब बातें स्पष्ट हैं, एक तो यह कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरे यह कि उसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है, और साथ ही उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से ही नहीं है। दूसरा, आपको इसका महत्व बता दूं तो ये आपके जो आगे आप पीएचडी करेंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो स्थापना और तर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ओके, अपितु उन घटनाओं से भी है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हुई हों। वस्तुतः आज इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि उसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन या विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। लाक्षणिक अर्थ में इतिहास का प्रयोग अतीत की घटनाओं के विवरण के स्थान पर स्वयं अतीतकालीन घटनाओं और व्यक्तियों के लिए भी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने भारत के नए इतिहास का निर्माण किया, या सम्राट अशोक भारत के इतिहास निर्माता थे, आदि वाक्यों में। किंतु शास्त्रीय या वैज्ञानिक विवेचन में लाक्षणिक प्रयोग आग्रह या त्याज ही समझे जाते हैं। तो ये प्रस्तुति थी इतिहास की कि इतिहास क्या है। प्राचीन काल से ही इतिहास को अध्ययन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु अध्येताओं के दृष्टिकोण एवं पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहा है। इसलिए कभी उसे कला के क्षेत्र में और कभी विज्ञान के क्षेत्र में स्थान दिया जाता रहा है। वस्तुतः इतिहास कला है या विज्ञान है, यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। इतिहास जो है, इसे कला समझा जाए या विज्ञान समझा जाए, ये अभी तक विवादित है। इस विवाद के मूल में यह भ्रांति विद्यमान है कि कोई भी वस्तु या विषय अपने आप में कला या विज्ञान की कोटि में आ सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कला या विज्ञान का निर्णय विषय वस्तु के आधार पर नहीं, अपितु उसकी अध्ययन पद्धति या रचना पद्धति पर निर्भर है। इसीलिए
इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, किंतु यह हम पर निर्भर है कि हम इस इतिवृत्त का उपयोग किस प्रकार करते हैं। यदि अतीत के इतिवृत्त को हम आत्मपरक दृष्टिकोण, वैयक्तिक अनुभूति एवं ललित शैली में प्रस्तुत करते हैं, तो वह कला की संज्ञा से विभूषित हो सकती है, जबकि वस्तुपरक दृष्टिकोण तर्कपूर्ण शैली एवं गवेषणात्मक पद्धति में प्रयुक्त प्रस्तुत किया गया अतीत का विवरण विज्ञान की विशेषताओं से युक्त माना जा सकता है। वस्तुतः इतिहास से कवि, साहित्यकार, उपदेशक, शोधकर्ता आदि विभिन्न वर्गों के लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं तथा उनकी दृष्टि व पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में इतिहास के भी विभिन्न रूप उपलब्ध हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये जो थी इतिहास से संबंधित तथ्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, फिर भी आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है। जो इतिहास है उसे कला ना समझकर, कला ना मानकर विज्ञान अधिक माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। यह दूसरी बात है कि विषय वस्तु की अविद्यमानता व अप्रत्यक्षता के कारण भौतिक विज्ञान की सी वैज्ञानिकता का आविर्भाव उसमें शायद ही संभव हो। वास्तव में विषय भेद से स्वयं विज्ञान भी अनेक श्रेणियों एवं कोटियों में विभक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान को हम विज्ञान ही या विज्ञान की श्रेणी में ही स्थान दे सकते हैं। जिस श्रेणी में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान को देते हैं, अतः इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान या फिर समाज विज्ञान को देते हैं। जो स्थान हम इतिहास को देते हैं, वह स्थान हम भाषा विज्ञान या समाज विज्ञान को भी देते हैं। नेक्स्ट है आपका इतिहास दर्शन की रूपरेखा। तो ये भी आपकी सेकेंड यूनिट जो है आप देखेंगे तो आपको इतिहास दर्शन की रूपरेखा जरूर दी गई है आपके नेट ज्वारा पे। तो ये डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि पीछे संकेत दिया जा चुका है कि इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई। जो दृष्टिकोण था उसी के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई थी, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। अस्तु इतिहास संबंधी इन्हीं विचारों या धारणाओं को सामूहिक रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं, जो दृष्टिकोण हैं, जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं, वो सभी इतिहास दर्शन में आते हैं। वैसे पश्चिम में कुछ विद्वानों ने इतिहास दर्शन का प्रयोग संकीर्ण व सीमित अर्थ में करते हुए अपने अपने दृष्टिकोणों को ही उस पर आयोजित करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम वोल्टेयर, यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना है कि सर्वप्रथम कौन थे। सर्वप्रथम वोल्टेयर ने इस संज्ञा का प्रयोग करते हुए इसके अर्थ को केवल आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया था। किसने? सर्वप्रथम वोल्टेयर ने, ठीक है, वोल्टेयर नाम है इनका, जिन्होंने इतिहास को आलोचनात्मक या वैज्ञानिक इतिहास तक सीमित रखने का प्रयास किया था। हीगल ने इसका प्रयोग विश्व इतिहास के अर्थ में तथा परवर्ती युग के कुछ विद्वानों ने केवल परीक्षणात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए किया है। किंतु आज इतिहास दर्शन के नाम से उपलब्ध पुस्तकों में पूर्व से पश्चिम तक तथा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के उन सभी दृष्टिकोणों व विचारों का प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पे आप एक तो वोल्टेयर और दूसरे हीगल का नाम जरूर याद रखेंगे, जो इतिहास के अध्ययन में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम एकांकी और एक पक्षीय धारणाओं से बचते हुए इतिहास दर्शन का सर्वांगीण व सर्वपक्षीय बोध प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसे उसी व्यापक एवं समन्वित अर्थ में ग्रहण करना होगा, जिसके अनुसार इतिहास दर्शन उन दृष्टिकोणों, विचारों व अध्ययन पद्धतियों के समूह का सूचक है जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन से संभव हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं। नेक्स्ट है आपका
इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण हो वो क्या है उसे देख लेते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी है, आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी है, इसलिए उसमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मिक तत्वों व प्रवृत्तियों के अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्रयास सामयिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, अतः यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की व्याख्या भी इसी दृष्टिकोण से की, अर्थात विपरिवर्तनशील अतीत में से भी उन प्रवृत्तियों का अनुसंधान करते रहे जो मनुष्य को स्थायी एवं अवर बनाती हैं। जो दृष्टिकोण एक होता है इतिहास का, जो मनुष्य को स्थायी एवं अमर बना देती हैं। इतिहास है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें अतीत में गुजर चुकी हैं, जो इतिहास है हमारा वह स्थायी है। उन्होंने घटनाओं एवं क्रियाकलापों की व्यवस्था भौतिक उपलब्धियों एवं व्यक्तिगत सफलताओं की दृष्टि से कम करके समष्टिहीन हित की दृष्टि से अधिक की। इसलिए महाभारत का ने जहाँ इतिहास को एक ऐसा पूर्वरत माना जिसके माध्यम से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सके, तो पौराणिकों ने ऋषियों एवं महापुरुषों के चरित्रगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया है। घटनाओं से को महत्व न देकर चरित्र को यहाँ पे जो है महत्व दिया गया। यद्यपि आगे चलकर वाण कल्लड़ आदि इतिहासकारों ने इससे भिन्न दृष्टि को अपनाते हुए आध्यात्मिक नैतिक एवं चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा यथार्थ परक वस्तु एवं तथ्यों को अधिक महत्व दिया है। जो वाण हैं कल्लड़ हैं इन्होंने चारित्रिक तत्वों की अपेक्षा यथार्थ परक वस्तुओं को अधिक महत्व दिया है, किंतु काव्यात्मकता एवं अलंकृति का मोह भी वे न त्याग सके। इसलिए जहाँ प्राचीन युग में भारतीय इतिहासकारों की रचना चारित्रिक मूल्यों नैतिक उपदेशों व आध्यात्मिक रूपकों से युक्त होकर पौराणिक रूप में परिणत हो गई, वहाँ परवर्ती इतिहासकारों की रचनाएं शुद्ध इतिहास की अपेक्षा काव्यात्मक इतिहास या ऐतिहासिक काव्य के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्यशोधन तक ही सीमित न रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा। इससे व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ उसका गुण कहा जा सकता है, वहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है, क्योंकि उसने इतिहास के कलेवर में कला और नीति को स्थान देकर उसे शुद्ध ऐतिहासिकता से वंचित रखा है। फिर भी यदि इतिहास की कलात्मक या काव्यात्मक रूप का किसी भी दृष्टि से कोई महत्व है, तो उस दृष्टि से भारतीय इतिहासकार को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जा सकता है। वास्तव में भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति एवं जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में भी संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसमें सत्यम शिवम व सुंदरम के समन्वय का प्रयास किया है, जो उसकी परंपराओं को देखते हुए उचित व स्वाभाविक कहा जा सकता है। यहाँ पे समन्वय किया गया है सत्यम शिवम और सुंदरम का। भारतीय इतिहास में इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण, इतिहास के प्रति पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहा है ये भी देखना हमारे लिए अति आवश्यक है। जहाँ भारतीय इतिहासकारों की दृष्टिकोण में आदर्शवादिता की प्रमुखता रही, वहीं पाश्चात्य इतिहासकार यथार्थवादी दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हीरोदोटस ने इसे खोज गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके चार लक्षण निर्धारित किए। एक तो यह कि इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरे यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विद्या मानवी की है। तीसरे यह तर्कसंगत विद्या है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथे यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। इसके अतिरिक्त हीरोदोटस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इतिहास का लक्ष्य प्राकृतिक या भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करना है। प्राचीन युग में सामान्यतः हीरोदोटस का ही दृष्टिकोण मान्य रहा, किंतु आधुनिक युग के विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में नए दृष्टिकोण से विचार किया। इटालियन विद्वान विको 1744
इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती हैं, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में भी विको ने अनेक सुझाव दिए। जो विको था उसने सुझाव दिए थे, इतिहासकारों को अतिरंजना व अतिशयोक्ति से बचने और अतीत को अधिक महत्व न देने की बात कही थी विको ने। नेक्स्ट है, जर्मन दार्शनिक कांत ने इतिहास की नई व्याख्या करते हुए प्रतिपादित किया कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है, अतः इतिहास को भी इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे प्राकृतिक नियमों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। हीगल, आपको हीगल को जरूर पढ़ना है कि 1770 से 1831 जो इसका समय रहा है, ने कांत की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया है कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। हीगल के मतानुसार विश्व जो है इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है। जो हीगल है उसने जो मूल है लक्ष्य जो है मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस द्वंद्वात्मक पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व सिस्टमवाद का विकास होता है। इतिहास की व्याख्या भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। समय क्या था? 19वीं सदी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि शक्ति व गति प्रदान की। डार्विन परवर्ती युग में विभिन्न चिंतकों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न विकास किया था और सिद्धांत दिए थे। साथ ही जो सृष्टि हुई है का कोई अंग या तत्व एक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित होता है। एक क्रम जो होता है उसी से विकास होता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन न होकर विकास क्रम का विवेचन है। कार्ल मार्क्स, एंजल्स, मार्गन, हॉक्सले प्रवृत्ति अनेक विद्वानों ने विकासवाद के विभिन्न पक्षों की व्याख्या अपनी अपनी दृष्टि में की है। 20वीं सदी के जो इतिहासकार थे, स्पेंगलर, ट्वाइनबी, टर्नर आदि ने विश्व संस्कृति और सभ्यता के इतिहास की व्याख्या विकासवादी नियमों व प्रवृत्तियों के आधार पर करने की चेष्टा की थी। इन्होंने इसका विकास करने की चेष्टा की थी। ठीक है, अस्तु, आज जो है पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है, किंतु अनेक दृष्टिकोण से यह दृष्टिकोण भी अभी तक पूर्ण विकसित नहीं कहा जा सकता। एक तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विकासवादी चिंतकों के सिद्धांतों में भी परस्पर अभिन्वत एवं एकरूपता का अभाव है। जहाँ डार्विन का विकासवाद प्राणीशास्त्र में लागू होता है, वहीं मार्क्स का अर्थशास्त्र में, स्पेंसर का भौतिक विज्ञान में एवं वाग्सा का मनोविज्ञान में लागू होता है। दूसरे विकासवादी सिद्धांतों के विरोध में प्रतिक्रिया हो रही है। विद्वानों का एक वर्ग इन्हें विधेयवादी कहकर ठुकराने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग इसे विधेयवादी कहते हैं। शास्त्र जो हैं ये अस्तित्ववादी हैं। अनुयायी जो कि नियमबद्धता, पूर्वानिश्चित एवं पूर्व निर्धारण के विरोधी हैं। इतिहास को भी किसी नियम के से आबद्ध करना कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अस्तित्ववादियों के अनुसार जब प्रकृति एवं मनुष्यों की नियमों से मुक्त हो तो उनके इतिहास को नियमबद्ध कैसे किया जा सकता है? किंतु हमारे विचार में नियम और अनुशासन का यह विरोध अवैज्ञानिकता एवं अराजकता का ही पोषक है। कदाचित हीगल के शब्दों में यह भी वाद का प्रतिपाद मात्र है। तो ये जो संवाद आया है इसी से निकल कर आता है। अब हम बात कर लेते हैं साहित्य का इतिहास दर्शन। तो साहित्य का जो इतिहास दर्शन है इसे देख लेते हैं। सामान्यतः इतिहास शब्द से राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास का ही बोध होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सृष्टि की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका इतिहास से संबंध ना हो। अतः साहित्य भी इतिहास से असंबंध नहीं है। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्यिक रचनाएं भी मानवीय क्रियाकलापों से भिन्न नहीं है, अपितु ये विशेष वर्ग के मनुष्यों को विशिष्ट क्रियाओं के सूचक। दूसरे शब्दों में साहित्यिक रचनाएँ साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाएँ और प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं।
तो यहाँ पे जो इतिहास है उसको समझने के लिए हमें रचनाओं को पढ़ना है और उससे संबंधित जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, परंपराएं हैं, उनको समझना आवश्यक है। प्रारंभ में जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास में राजाओं के जीवन चरित्र एवं राजनीतिक घटनाओं को संकलित करना पर्याप्त समझा जाता था, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करना आवश्यक समझा जाता है। किंतु ज्यों ज्यों इतिहास के सामान्य दृष्टिकोण का विकास होता गया, त्यों त्यों साहित्य इतिहास के दृष्टिकोण में भी सूक्ष्मतम गंभीरता आई है। यद्यपि इतिहास के अन्य क्षेत्रों की तुलना में साहित्य का इतिहास दर्शन एवं उसकी पद्धति अब भी बहुत ही पीछे है, किंतु फिर भी समय समय पर इस प्रकार के अनेक प्रयास हुए हैं जिनका लक्ष्य जो है साहित्य इतिहास में सुधार करना है और इसको एक अच्छे स्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों द्वारा यह धारणा बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जो प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो इस प्रकार जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। यह साहित्य की प्रवृत्तियों संबंधित समाज का प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को जाता है। सबसे पहले जो है तेन जो है इन्होंने प्रयास किया था, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य जो है कि विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः तीन प्रकार के तत्व सक्रिय होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीन ने जो तीन भाग किए हैं उनमें एक तो आती है जाति रेस, दूसरा आता है वातावरण मिल्यू क्षण विशेष मोमेंट। तेन ने अपनी व्याख्या जाति वातावरण और क्षण विशेष, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि जो तेन है उन्होंने जो तीन प्रकार दिए हैं, तीन तत्व दिए हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो जाति है, दूसरा वातावरण है, तीसरा क्षण विशेष है। तो तेन ने अपनी व्याख्या के द्वारा यह भली भांति स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं और राष्ट्रीयता और उसके सामाजिक वातावरण को समझना अति आवश्यक है या फिर उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। मित्रों अब आपको बता दें कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो इसी तरीके से बीच बीच से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, हम इसीलिए आपके लिए ये फैक्ट ला रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है। जब हम नोट्स बनाएंगे तो आपको उसमें भी जो फैक्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होंगे वही देंगे। ओके, तो जो भी क्लास आप सुने पूरा ध्यान से सुने, 30 मिनट दीजिए, 30 मिनट की क्लास आप लोगों ने कही है तो मैं अभी तक 20 मिनट की बनाती थी, तो अब लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं 30 मिनट की पूरी क्लास बनाऊँ, लेकिन आपको 30 मिनट देने होंगे तभी आप जो है इसे समझ सकेंगे। ओके, और अगर हो सके अगर आप एग्ज़ाम को वाकई में क्लियर करना चाहते हैं, वाकई में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको इस क्लास को 2 बार ज़रूर सुनना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा है। दूसरे आइए देख लेते हैं आगे, इसमें साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों का भी योगदान कम नहीं रहा। यहाँ पे जो फ्रेंच भाषा के थे उसके साथ साथ जर्मनी के जो थे विद्वान उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। वैसे तो उनके द्वारा कई सिद्धांत स्थापित हुए, किंतु उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग चेतना स्प्रिंट ऑफ एज का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य के इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए एच कॉफे ने महान कवि गेटे की साहित्यिक प्रवृत्तियों की व्याख्या युगीन चेतना के लिए के आधार पर करके इसका सिद्धांत महत्व को प्रमाणित किया है, किंतु हमारे विचार में यह सिद्धांत भी एकांकी है क्योंकि साहित्य के विकास में युगीन चेतना का ही नहीं पूर्ववर्ती परंपराओं का भी न्यूनाधिक योगदान रहता है। देखिए युगीन चेतना युग में जो चल रहा है उसके साथ साथ जो पूर्व में हो चुका है उसे भी ध्यान रखना है और भविष्य में जो होने वाला है उसे भी ध्यान में रखकर जो है इसका निर्माण किया जाता है। अतः उनकी उपेक्षा करके सारा श्रेय युगीन चेतना को ही दे देना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इधर मार्क्सवादी जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि मार्क्सवाद जो आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि लगी हुई है 4th यूनिट, तो वो यहाँ पे ही आपकी कंप्लीट होगी। वैचारिक पृष्ठभूमि जो है मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों ने द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था।
कौन कौन सी? देखिए, एक तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिया है उन्होंने, विकासवाद लिया है, वर्ग संघर्ष लिया, और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। स्पष्ट किया नहीं बल्कि उन्होंने प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए सेक्यूलिन ने रूसी साहित्य के इतिहास की व्याख्या करते हुए साहित्य की विभिन्न प्रक्रियाओं प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रवृत्तियों प्रतिक्रिया से स्थापित किया है, किंतु कई बार मार्क्सवादी आलोचक साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के मूल अर्थ को ही स्थापित करके ऐसा अनर्थ कर देते हैं जो एकांतिक व अतिवादिता का प्रमाण होता है। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और अर्थविज्ञान के आधार पर भी साहित्य के विभिन्न पक्षों की विशेषता शैली पक्ष के विकास की व्याख्या विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने की। इनमें से कौन है? देखिए, आइए रिचर्ड्स हैं, इनका नाम भी आता है, आइए रिचर्ड्स, और साथ ही विलियम एम्सन भी आते हैं, सी एस लेविस आते हैं, और ये सभी जो है किस सदी में आएंगे? ये 19वीं या 20वीं सदी में आते हैं। एफ डब्ल्यू वेटसन, यहाँ पे आप देखेंगे, हमने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ आप देखेंगे 19वीं सदी, तो ये सभी जो है 19वीं सदी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू वेटसन प्रवृत्ति विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है, सी एस लेविस, डब्ल्यू पी कर और एफ डब्ल्यू वेटसन प्रवृत्ति विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है। इन विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टियों से शैलीगत प्रवृत्तियों के विश्लेषणों एवं उनके आधारभूत कारणों को खोजने का प्रयास किया गया था। तो ये थी इनकी विशेषता थी। और यहाँ पे साहित्य इतिहास की व्याख्या के लिए विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न प्रयास होते रहे हैं जो हमें किसी निश्चित स्पष्ट एवं समन्वित निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाते। फिर भी इनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी विषयगत प्रवृत्तियाँ व शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों, युगीन चेतना एवं साहित्यकार की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का विवेचन विश्लेषण भी आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि पूर्वोक्त सिद्धांत साहित्य की विकास प्रक्रिया के विभिन्न अंगों, पक्षों व तत्वों के सूचक हैं। यद्यपि इनमें कोई भी सिद्धांत परिपूर्ण नहीं है, यहाँ पे जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो पूर्ण नहीं है, किंतु आंशिक सत्य से भी ये सर्वथा शून्य नहीं है। इनमें आंशिक सत्य भी है थोड़ा बहुत। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। कौन कौन से 5 तत्व हैं? सृजन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व, परंपरा, साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराएं, वातावरण और द्वंद और संतुलन। वस्तुतः यह सिद्धांत, इन चीज़ों को आपको देख लेना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। साहित्य के क्षेत्र में भी प्राकृतिक सृजना शक्ति अर्थात साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा, परंपरा और वातावरण जो है आवश्यक है, इसको जानना चाहिए, जिसका चरम लक्ष्य द्वंद्व के दोनों पक्षों में संतुलन स्थापन होता है। वस्तुतः यह द्वंद्व ही साहित्यकार की मूल प्रेरणा होती है। तो ये चीज़ें जो थी आवश्यक हैं। आगे जो है आपका यहाँ पे साहित्य विकास के उपयुक्त सामान्य सिद्धांत के अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए जिनमें साहित्य के रूपात्मक, प्रवृत्तियात्मक तथा गुणात्मक विकास के अध्ययन में सहायता मिल सकती है, किंतु यहाँ इनका विस्तृत परिचय न देकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जिस प्रकार सामान्य इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन विकासवाद के आधार पर ही संभव है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास को भी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए विकासवादी सिद्धांतों का आधार ग्रहण करना आवश्यक है। यह दूसरी बात है कि लोग इतिहास को भी कल्पना, विकास और भाव सौंदर्य का क्षेत्र मानते हैं, कला क्षेत्र कला की श्रेणी में स्थान देते हैं, वे विकासवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति दोनों को ही व्यर्थ समझते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने साहित्य इतिहास दर्शन को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। फिलहाल जो भी हमने चैप्टर पढ़ाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट इसमें सम्मिलित है, वैचारिक पृष्ठभूमि और आपका जो साहित्य इतिहास दर्शन है, दोनों ही इस क्लास में आपके सम्मिलित हैं। और क्वेश्चन कहाँ से बन जाए ये किसी को भी नहीं मालूम होता है, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर आपको नहीं बता सकता है। ये ज़रूर बता सकता है कि आप इस बुक को इस तरीके से पढ़िए और अपना जो है हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको
ये पता चलता है कि क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, ना कि रिपीट होते हैं। रिपीट होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, वो भी आप भाग्यवश आपको मिल जाए, ठीक है। तो अगर 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपके 20 क्वेश्चन 20 आंसर 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपको एग्ज़ाम को 70% मार्क्स से क्वालिफाई करना है, तभी आप जो है अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो हमारा पूरा प्रयास यही है कि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, और हम जो अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। जो हम इतिहास दर्शन ला रहे हैं, आपके लिए ही ला रहे हैं। आप लोगों को बनता है कि आप लोग इस क्लास को सुनें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप वाकई में नेट यूआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। हमने जो भी प्रयास किया है, हमारे सेल्फ स्टडी के नोट्स हैं जिनको हमने तैयार किया है, जिससे आपको अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वहाँ से हम जो आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें आपको 70% से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, वो सारी चीज़ें सिलेक्टेड हैं और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। ओके, जो लोग कहते हैं कि मैम हमें फुल नोट्स चाहिए, तो फुल नोट्स में अगर आप पूरा पूरा बुक पढ़ेंगे, पूरी पूरी कहानियाँ पढ़ेंगे, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिलेक्टेड चीज़ें पढ़िए, सिलेक्टेड रिवीजन करिए, तभी आपको निश्चित सफलता मिलेगी, और यही होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करिए और सफलता को निश्चित करिए। तो मित्रों, यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।